हाँ भाई, क्या हुआ? कौन बोल रहा है? फोन कर रहा है मुझे बार बार। यहाँ पे शमशान घाट की तरफ से आते हैं, हमारा घर लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम चुपके बैठे हैं भैया, प्लीज किसी को। चलो आप रो मत, आप कौन कौन हो वहाँ पे? भैया मेरी मम्मी पापा सब है, हम बहने हैं, बहने। अच्छा अच्छा अच्छा, आप रो मत, मुझे एड्रेस बताओ मुझे। तो ये शमशान घाट है सिर्फ बिहार में। आप एड्रेस बताओ मुझे, एड्रेस। हाउस नंबर। लोग इस तरह से ला रहे हैं सर जी अब भी, और वहाँ पर ना पुलिस वाले कोई रेस्क्यू करने को तैयार नहीं है। लोग अपाहिज हैं, परेशान हैं बेचारे, और पता नहीं किस तरह से क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरा हाल है सर। मकानों में जो भी है वो लूट के ले गए और जला दिए गए, और वहाँ पे कुछ नहीं रहा सिर्फ राख के अलावा। हम अपने मकानों को यूँ ही, हमारे बदन पे जो कपड़े हैं वो ही पहन के आए हैं, और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं अपनी जिंदगी से। क्या वजह है इसमें, कुछ समझ में नहीं आती है। क्या मैटर है, अल्लाह जाने क्या हो रहा है। मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, पहली बार देखा है। हमारी दुकानें जो थी मुसलमानों की सारी तोड़ दी, और मस्जिदों में भी आग लगा दी, सारी मस्जिदों में। ओलिया मस्जिद नाले वाली हमारी, ये भी जला दी सारी। यहाँ से शमशान घाट से लेके ओलिया मस्जिद तक सारे जो घर मुसलमानों के थे सारे फूंक दिए इन्होंने, सिलेंडर फाड़े, सारी दीवारें निकली पड़ी हैं वहाँ की, मकानों में आग लगा दी। मगर सिर्फ बिहार के जो हिंदू भाई हैं उन्होंने ऐसा नहीं, बाहर के थे, बाहर के थे, बाहर के थे। वो पता नहीं, वो टोप लगाए थे, बाहर के थे, सबने घरों में सिलेंडर निकाले, मस्जिद में फोड़े, और गालियाँ वगैरह बच्चों में आग लगा दी। तो हमने तीसरी मंजिल ले जाके एक कमरा आ गया, मैंने सब वहाँ भर दिया, बाहर ताला लगा दिया। हमने अब इसी में मौत हो गया, मेरा आदमी रहता नहीं जो जल्दी निकाल लेता। मैं भी तो वहाँ हो गई, एक साल हो गई, बच्चियाँ जब आज हमारे तो घर में बच्चे थे छोटे छोटे, ऐसे पत्थर फेंक फेंक के मारे बच्चों को। मेरा भाई की करामनगर में फैक्ट्री थी, उनकी फैक्ट्री को आग लगा दी गई। 30-35 लोग वहाँ पर वर्कर थे, उन्होंने हिंदू फैमिली जो आसपास थी उन्होंने उनको बचाया है, उनको अपने घर पे रखा है, फिर उनको सेफ जगह वो उनको छोड़ के आए, रेस्क्यू करके आए। ऐसी बात नहीं है कि हमारे हर टाइम पे बचाने वाले ज्यादा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। जो हमारा भाईचारा है इसको खत्म कर रहे हैं ये लोग। पुलिस होती है किसके लिए, आधी उधर रहे आधी इधर रहे, ताकि उधर भी दंगा ना हो इधर भी ना हो। लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे तो कैसे देश चलेगा। वहाँ हिंदू भाइयों ने इतनी मदद करी है हमारी, इतनी मदद करी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब हम गए ना वो रो रहा है लिपट लिपट के, हमसे यार ये क्या हो गया। एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर दो मस्जिदें हैं तो इसका क्या मतलब है, आप लिखा लीजिए। प्यार है ना, जब तो मस्जिदें हैं। हमें जैसे दूध वगैरह की जरूरत थी, जब यहाँ पर सारी दुकानें बंद थी, उन्होंने हमारे पास दूध वगैरह सब कुछ पहुँचाया हमारे साथ। चोरीपुर, हाँ, हिंदू फैमिलीज हैं, सारी हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर, लेकिन दलित कम्युनिटी है। होटल भी खोल रहे हैं तो दोनों शटर बंद करके रोटी लगा रहे हैं, भेज रहे हैं।
खाना वाना सब खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और ज्यादा दंगा था चावल और ये भी दाल कौन करता हमारा, क्या होता हमारा बताओ। रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के पास 220 कॉल है। आप की रिकॉर्डिंग सुनिए, आप देखिए तड़प देखिए आप लोगों की। हाँ भाई क्या हुआ, कौन बोल रहा है, फोन कर रहा है बार बार। यहाँ पे शमशान घाट की तरफ से आते हैं, हमारा घर लूट रहे हैं। ये पूरी फैमिलियों को जो मैं निकाल निकाल कर लेकर आया हूँ, ये पीछे पहले मिलिट्री बोर्ड थी जी, मुझे अपनी जान की तो बचा ली थी। हिंदू भाई मर रहे हैं, मुसलमान मर रही है, इंसान है ना, आप सब बैठे आप उंगली काटिए, ब्लड निकालिए, बताइए किसी का लाल कर दिया, सबका हिस्सा ही निकलेगा। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ है या हिंदुओं का इंसानियत के खिलाफ जुल्म हुआ है, सारे इंसान इंसानियत पे जो मानते हैं वो सब आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जाके देखिए, जहां मैं आपको हालात देखिए, जो लोग उजड़े हैं, जिनके बच्चे मर गए, जब किसी के घर का जाता है, जब पता चलता